दोस्तों आप सभी का अपने चैनल सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ 10 जुलाई 2020 की 9 बड़ी भर्तियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शुक्रवार 10 जुलाई 2020 की 9 बड़ी भर्तियों के बारे में। दोस्तों इन भर्तियों के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो इन सभी भर्तियों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखे हैं, आप लिंक वहां से ओपन कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं इन सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों आज की पहली भर्ती है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड की और इसमें पोस्ट का नाम है MTS। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 8वीं पास। दोस्तों जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो कैंडिडेट की एज कम से कम 18 साल होना जरूरी है। दोस्तों इसमें 15 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको सैलरी मिलेगी 14,842 रुपये। जहाँ तक फीस की बात है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है 1,000 रुपये फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम। और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको वॉक इन करना है 14 जुलाई 2020 को सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें इंटरव्यू होगा। दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, इसका लोकेशन दिल्ली है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 2 है ACTREC की, टाटा मेमोरियल सेंटर की, और इसमें पोस्ट के नाम है टेक्नीशियन, कोऑर्डिनेटर, किचन सुपरवाइज़र और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री तथा डिप्लोमा। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 27 साल, 30 साल तथा 40 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों इसमें 146 वैकेंसी है। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 4, लेवल 6, लेवल 10 तथा लेवल 11 की सैलरी मिलेगी। इस भर्ती में दोस्तों आपको 300 रुपये फीस जमा करानी है, 7 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका लोकेशन नवी मुंबई है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 3 है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की और इसमें पोस्ट का नाम है लेक्चरर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की पोस्ट ग्रेजुएशन 21 साल से 40 साल तक। इसमें एज लिमिट है दोस्तों 49 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो सैलरी आपको इस पर नोटिफिकेशन दी जाएगी। इस भर्ती में आपको 500 रुपये फीस जमा करानी है। 10 जुलाई 2020 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका लोकेशन उड़ीसा है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 4 है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की और इसमें पोस्ट का नाम है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और इसके अलावा अरबी वैकेंसी है। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें 12वीं पास, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री तथा डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। 18 साल से 42 साल दोस्तों इसमें एज लिमिट है। 30 इसमें वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर नोटिफिकेशन दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आपको 200 रुपये फीस जमा करानी है। दोस्तों 20 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट या इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, इसका लोकेशन यमुनानगर यानी कि हरियाणा है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 5 है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की और इसमें पोस्ट का नाम है मरीन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वॉचर्स। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास। इसमें 18 साल से 25 साल तक की एज लिमिट है दोस्तों। 200 इसमें वैकेंसी है। सैलरी मिलेगी आपको 15,000 रुपये। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 24 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें फिजिकल टेस्ट तथा इंटरव्यू होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन लक्षद्वीप है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 6 है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की और इसमें पोस्ट के नाम है लैब टेक्नीशियन तथा असिस्टेंट रेडियोग्राफर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 12वीं पास तथा डिप्लोमा। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 18 साल से 40 साल तक की एज लिमिट है दोस्तों। और इसमें 2,177 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 का होगा दोस्तों। और इस भर्ती में आपको 250 रुपये से लेकर 450 रुपये तक फीस जमा करानी है। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है दोस्तों, 30 जुलाई 2020 तक इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन राजस्थान है। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 7 है पब्लिक सर्विस कमीशन की और इसमें पोस्ट का नाम है सब डिविजनल इंजीनियर। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की डिग्री इन इंजीनियरिंग,
इन सिविल और मैकेनिकल। एज लिमिट 18 साल से 37 साल है दोस्तों इस भर्ती में, और इसमें टोटल वैकेंसी है 50। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल 15,600 से लेके 39,100 होगा, प्लस आपको जीपी 5,400 मिलेगा दोस्तों। इस भर्ती में फीस 11,025 से लेके 1,750 है दोस्तों, और 31 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका लोकेशन पंजाब है दोस्तों। आज की भर्ती नंबर 8 है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की, और इसमें पोस्ट के नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, और इसके अलावा और भी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 18 साल से 42 साल तथा 22 साल से 40 साल तथा 55 साल तक की एज लिमिट है। इसमें टोटल वैकेंसी 24 है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 20,000 से लेकर 1,25,000 तक की सैलरी मिलेगी। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। 17 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा, और इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसका लोकेशन रोहतक यानी कि हरियाणा है दोस्तों। आज की भर्ती नंबर 9 है ऑफिस ऑफ द मेडिकल डायरेक्टर की ऑफिस से, और इसमें पोस्ट का नाम है जूनियर रेजिडेंट। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की MBBS 30 साल दोस्तों। इसमें एज लिमिट है 116 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 56,100 से लेकर 1,77,500। इस भर्ती के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको वॉक इन करना है 14 जुलाई 2020 को, और इसका लोकेशन DDU हॉस्पिटल यानी कि दिल्ली है। तो दोस्तों ये था 100 डिटेल आज के 9 बड़ी भर्तियों का, और इन केस आप इन भर्तियों में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये कंपलसरी है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।